हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कैश नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप एटीएम मशीन से कैश निकालोगे तो आपको भारी मात्रा में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि हमें कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, या हमें अपने बैंक अकाउंट में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें किसी और बंदे को पैसे देने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में और एक छोटी सी फीस के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने जाएंगे ऐप स्टोर या एप्पल स्टोर में। वहाँ पर आप सर्च बार में टाइप करें मोवी क्विक, मोवी क्विक। आप इसे ओपन करें, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप पहले से लॉगिन है, मतलब लॉग आउट है, तो आप उसमें अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने क्या करना पड़ेगा, आप अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद केवाईसी, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप अपने आधार से केवाईसी वैलिडेट कर सकते हैं, उसमें उसे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप आईओएस यूज़र है तो भी आप अपने आधार से केवाईसी वेरीफाइड कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, विया वॉलेट, ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम विया वॉलेट, यहाँ क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है वॉलेट टू बैंक, दूसरा आ रहा है वॉलेट टू वॉलेट। तो अगर आप किसी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ वॉलेट टू वॉलेट क्लिक करें। अगर आप वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉलेट टू बैंक पे क्लिक करें। अब नीचे आ रहे हैं कुछ अकाउंट्स आ रहे हैं, तो अगर आप जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मान लो मैं ये वाला अकाउंट ले लेता हूँ, कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं मुझे, इसमें मैं ऐड करता हूँ 1500। ठीक, 1500 एंड प्रोसेसिंग फ़ीस होगा इसका 58.41 रुपीज़। वाई ये भी देख लें, इसमें वीआर चार्जिंग किस लिए है, क्योंकि फॉर केवाईसी यूज़र आईएमपीएस फी 3.3% प्लस जीएसटी। इफ़ ए केवाईसी यूज़र डड नॉट ट्रांसफर अमाउंट 1000, यूज़र बिल बी चार्जेड ऑन 33.00 प्लस जीएसटी अप्रॉक्स 38 रुपीज़, 40 रुपीज़। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब ये मांग रहे हैं मेरे कुछ क्रेडिट कार्ड मैंने पहले से ऐड कर रखे हैं, ये सारे क्रेडिट कार्ड कुछ पहले से ऐड कर रखे हैं, तो आप यहाँ जाएंगे। मान लो मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड लूँ, मैं ये क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ, इसमें डाला सीवीवी, पे नाउ पे क्लिक किया। प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, बट हो सकता है शायद आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा हो। आया बैंक पेज पे, यहाँ कंटिन्यू किया। ओके, क्या एरर आया, आई थिंक शायद हमने गलत, गलत पिन डाल दिया है। कोई है, नो इशू, हम क्या करेंगे, दूसरे क्रेडिट कार्ड से चले जाएंगे। 94, प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, इंटर वन टाइम पासवर्ड। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, कार्ड से ऐड हो गए। अब क्या कहते हैं इसमें, क्या करेंगे हम, कंफर्म ट्रांसफ़र, यहाँ पे आएगा ओटीपी, सबमिट ओटीपी, ये देखो सक्सेसफुल।
तो मतलब आप देख सकते हैं कि इस मैसेज भी आ गया ICICI बैंक में, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। बट लेकिन इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें सर आप, एक अकाउंट में एक दिन में फॉर KYC यूज़र 30,000 30,000 के लगभग पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट में। अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर 30,000 आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी बिल्कुल यूज़फुल लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी से पूरी आपकी हेल्प करने में कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट।